लोकसभा चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने 25 मई को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। राहुल की पेशकश को 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। खबर है कि नए अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेता आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में आखिर क्यों हो रही है देरी? अध्यक्ष पद को लेकर आमने सामने क्यों है बुजुर्ग और युवा नेता? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में मैराथन बैठक चल रही है, लेकिन बावजूद इसके नए अध्यक्ष के नाम पर फिलहाल सर्वसम्मति बनती नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी का नया अध्यक्ष युवा होगा या फिर बुजुर्ग, इस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। यानी नए अध्यक्ष की तलाश युवा बनाम बुजुर्ग के झगड़े में फंसती जा रही है। नेताओं की कोशिश है कि नया अध्यक्ष मध्य आयु वर्ग का हो, ताकि युवा और बुजुर्ग नेता के बीच संतुलन बन सके। हालांकि बुजुर्ग नेताओं के बीच मध्य आयु वर्ग के किसी स्वीकार्य चेहरे पर बात हो रही है, लेकिन युवा नेता उसे कितना स्वीकार करेंगे, इसे लेकर बुजुर्ग नेताओं को लेकर संशय है। जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सरीखे नेता भी शामिल हुए। उधर खबर ये भी है कि इस मुद्दे पर पार्टी के युवा नेता भी अलग से बैठक कर रहे हैं। नए अध्यक्ष की दौड़ में जो नाम पहले थे, वो अभी भी पार्टी नेताओं के बीच तैर रहे हैं। मसलन बुजुर्ग नेताओं की श्रेणी में सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मीरा कुमार और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी जैसे नाम शामिल हैं। और युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह जैसे कुछ नाम पार्टी के सामने हैं। इस बीच खबर है कि पार्टी के सीनियर नेता इस मुद्दे पर कोई फैसला लेना चाहते हैं। खबरों की माने तो इसके लिए 19 जुलाई को CWC की बैठक बुलाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष के साथ संगठन में 4 कार्यकारी अध्यक्ष चुनने का भी विकल्प आजमाया जा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि युवा और बुजुर्ग नेताओं की इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।